इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. पहला केस है हमारे पास यहाँ कोस इनवर्स ऑफ cos 3. देखिए कोस इनवर्स कोस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है थीटा कब, व्हेन दिस थीटा बिलोंग्स टू -π to π क्लोज इंटरवल. अगर इस इंटरवल में जो है अगर आपका थीटा बिलोंग करता है तो कोस इनवर्स कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सिंपली थीटा. ठीक है, अब देखिए क्या ये जो 3 है, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3.14 माइनस के 3.14. ये जो 3 है वो इसमें बिलोंग करता है, करता है. हेयर 3 बिलोंग्स टू -π to π क्लोज इंटरवल, विच इंप्लाइज इसकी जो वैल्यू हो वो सिंपली क्या आ जाएगी, 3. सेकेंड पार्ट है इसका कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 4. क्या ये 4 इस इंटरवल में लाई करता है, नहीं. सो इसको हम ट्राई करेंगे कि इस इंटरवल में लाई करें. देखिए कोस 4 जो है इसको आप लिख सकते हैं कोस ऑफ 2π -4, क्योंकि आप देखोगे कोस 2π की वजह से तो कोस में रह जाएगा, एंगल 4 है और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस पॉजिटिव होता है. सो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 2π -4. अब देखिए पहले 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 -4, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें 8 2 और यहाँ 6 -4, दैट इज़ 2.28. ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करती है. ठीक है, ये जो वैल्यू है इस कोस के डोमेन में लाई करती है. हेयर 2π -4 बिलोंग्स टू -π to π क्लोज इंटरवल. इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल होके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2π -4. ये कैंसिल करके नहीं दिखाते इनको कभी भी, ये फंक्शंस का केस हो जाता है. थर्ड जो है वो है कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 5. ठीक है, इसको भी आप लिख पाओगे कोस 5 जो है उसको आप लिख पाओगे कोस ऑफ 2π -5. 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 -5, 8 2 6 -5 दैट इज 1.28. ये वैल्यू है इस इंटरवल में लाई करती है, विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ, ठीक है, 5 को आप लिख पाओगे यहाँ पर 2π -5, क्योंकि ये वैल्यू कोस के डोमेन में है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2π -5. फोर्थ पार्ट कोस इनवर्स ऑफ कोस 12. ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख पाओगे कोस 12 इज इक्वल टू कोस ऑफ 2π -12, बट यहाँ पर 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 -12 जो है ये जो भी वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में लाई नहीं करती. सो इसको फिर से हम क्या करते हैं, 2 को 4 से रिप्लेस करके देखते हैं. यहाँ पर कोस ऑफ 4π -12, अब देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 -12 विच इज इक्वल टू 16 1 5 12 -12 दैट इज 0.56. ये वैल्यू है इस इंटरवल में लाई करती है, इसको आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 4π -12, क्योंकि ये वैल्यू इसके डोमेन में है, इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4π -12.